हेलो दोस्तों दोस्तों अपने कंप्यूटर पे बैठा था, काम कर रहा था, तभी एक भाई की कॉल आई और बोला कि खाटू श्याम बाबा ने बुलाया है। तो हम कौन होते हैं मना करने वाले, अपना बैग पैक कर लिया और अभी वेट में है, अभी दोस्त आने वाला है, निकलते हैं यहाँ से। मैं रास्ते में आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा कि क्या है खाटू श्याम की पूरी स्टोरी। तो आप भी चलिए मेरे साथ, चलते हैं। जय खाटू श्याम। जय श्री श्याम। ये नाम मेरे बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने दिया है और साथ में दिया है वरदान। अब इनके पीछे की क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ भाइयों को पहले ही पता होगी लेकिन कुछ भाइयों को नहीं पता, वो जरूर सुनिए। पहले मेरे बाबा का नाम बर्बरिक था। ये महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम मौरवी है। इन्होंने युद्ध कला अपनी माता से सीखी और दुर्गा माता को घोर तपस्या से प्रसन्न करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए और अग्नि देवता ने इन्हें धनुष प्रदान किया। ये दोनों चीजें बाबा को तीनों लोकों का विजयी बनाने के लिए काफी थे। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। जब वीर बर्बरिक तक ये खबर पहुंची तो बर्बरिक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की। माता ने कहा, जाओ बेटा और अपना सामर्थ्य दिखाओ, बस 2 वचन देके जाओ। एक तो जो हारता होगा उसका साथ दोगे, दूसरा रास्ते में कोई भी तुमसे कुछ भी मांगे तुम उसे मना नहीं करोगे। माता को वचन देकर बाबा चल दिए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की ओर। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कौरवों की हार निश्चित है और अगर बर्बरिक रणभूमि में पहुंच गए तो सारी बाजी ही पलट जाएगी, ये तो एक ही तीर से सबको चुन चुन के मार डालेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए ब्राह्मण का भेष बनाकर बाबा के सामने। उन्होंने बर्बरिक को रोका और हंसते हुए कहा, सिर्फ 3 तीर लेकर आप जा रहे हो युद्ध लड़ने? बर्बरिक बोले, ब्राह्मण देवता, मेरा तो सिर्फ 1 तीर ही काफी है पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए, और मेरा तीर अमोघ है जो वापिस लौट कर मेरे पास आ जाता है, बाकी 2 तीर तो एक्स्ट्रा है। फिर भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण बने हुए थे उन्होंने बर्बरिक को चुनौती दी और कहा, ऐसा है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ, और एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने तीर छोड़ा, कुछ ही क्षणों में पेड़ के सारे पत्ते भेद कर वो तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के चक्कर लगाने लगा। बर्बरिक बोले, ब्राह्मण देवता अपना पैर हटा लीजिए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। तभी ब्राह्मण ने पूछा, किसका साथ देने जा रहे हो? बाबा बर्बरिक बोले, जो हारता होगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि कौरवों को ये नहीं हारने देंगे और पांडवों को मैं हारने नहीं दूंगा, तो युद्ध का निर्णय ही नहीं होगा। फिर ब्राह्मण ने बाबा से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरिक ने उन्हें वचन देकर कहा, मांगो, क्या दान चाहिए? ब्राह्मण देवता ने उनसे उनका शीश मांग लिया। वीर बर्बरिक एक बार तो चौंक गए लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटे। बर्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण कभी भी इस तरह का दान नहीं मांग सकता, कृपया आप अपना असली रूप दिखाएं। फिर भगवान अपने असली रूप में आ गए। भगवान बोले, युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए मैं ऐसा करने के लिए विवश हूँ। वीर बर्बरिक ने उनसे पूरा युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की और अपना शीश काट कर भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ वादा पूरा किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश युद्ध भूमि के नजदीक एक पहाड़ी पर सुशोभित किया। इस प्रकार वीर बर्बरिक शीश के दाने कहलाए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में युद्ध की विजय का श्रेय किसको जाता है को लेकर विवाद पैदा हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, वीर बर्बरिक ने सारा युद्ध देखा है, उनसे बेहतर युद्ध का निर्णय भला कौन कर सकता है। सभी पांडव पहुंच गए वीर बर्बरिक के पास। वीर बर्बरिक के शीश ने कहा, मुझे तो सब जगह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दे रहा था। जो मार रहे थे वे भी भगवान कृष्ण थे और जो मर रहे थे वो भी भगवान कृष्ण थे। माता काली भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, तुम्हें मेरे ही रूप में पूजा जाएगा, कोई भी हारा हुआ इंसान तुम्हारी शरण में आएगा तो तुम उसका सहारा बनोगे। फिर उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, एक गाय उस स्थान पर हर रोज दूध की धारा बहा जाया करती थी। जब लोगों ने खुदाई की तो वहाँ पर बाबा का शीश प्रकट हुआ। फिर वहाँ पर खाटू वाले बाबा का मंदिर बनवाया गया। तो भाइयों, कोई भी इंसान जीवन में हार गया हो, कोई काम ना बन रहा हो, बस सच्चे दिल से बाबा की शरण में चले जाओ, बाबा सारी मुरादें पूरी करते हैं। किसी का कोई काम बनते बनते रह रहा हो, यानी नया मकान बनता बनता उसका बीच में ही काम बंद हो गया हो, बस बाबा की शरण में जाओ, सब काम बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।